press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सामान्यतः आप सबको लगता होगा मैं कथा का बड़ा विरोधी हूं, मैं नहीं हूं, लेकिन अगर आप मर्म अथवा तत्व के बिना कथा पढ़ते और सुनते हैं तो वह निरर्थक है, समय वेस्ट करना है और एंटरटेनमेंट करना है। कथा का मर्म क्या है, कथा का तत्व क्या है, यह समझे बिना आप कथा का पठन नहीं कर सकते। कथा के सख्त नियम है, इसलिए कथाकार कौन है, कथा सुनाने वाले कौन है, जो ऋषि पद प्राप्त कर गए। प्रारंभ किसने की है कथा सुनानी, शुक जी ने, यही इसी रोड पे आगे चले जाओ 50 किलोमीटर, वहीं से शुरू हुई है कथा की ट्रेडिशन। और किसे सुनाई है, परीक्षित को, और कब, श्री कृष्ण के मृत्यु के 36 वर्ष बाद, तदुपरांत 200 वर्ष बाद कथा का सिस्टम शुरू होता है। उससे पहले तत्मीमांसा या विवेचनाएं हैं, बड़ी एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल सोसाइटी थी और उसी तक चीजें सीमित थी, जो बाद में जाकर हार्डकोर कास्ट सिस्टम बन गया। उस वक्त क्या था कि अगर आपका इंटेलेक्ट नहीं, आप सो जाओगे, बेकार है, आप फिर आईक्यू ना हो कथा में। बाद में जाकर कह दिया कि शूद्र कथा नहीं सुन सकते, ये बहुत बाद के सिस्टम है। बेसिकली ये सिस्टम ऐसा था कि जो लो इंटेलेक्ट का व्यक्ति है वो मीमांसा समझ नहीं सकता, जो लो इंटेलेक्ट का व्यक्ति है वो सो जाएगा, तत्व की बात होगी जैसे शुरू, जो लो इंटेलेक्ट का व्यक्ति है वो गहराई में जा ही नहीं सकता, उसे नींद आनी शुरू हो जाएगी, वो समझ ही नहीं सकता कि जो कार्य कथा कह रही है ये कार्य उसे जीवन में नहीं करना है, क्योंकि वो लिसनिंग को और एक्सरसाइज को सेपरेट समझता है। जो लो इंटेलेक्ट का व्यक्ति होगा वो सिद्धांत को सुनने के लिए रखेगा, करने के लिए नहीं रखेगा। और जो हायर इंटेलेक्ट के लोग होते हैं उनके लिए कथा का अर्थ बिल्कुल डिफरेंट है। तत्मीमांसा का मतलब यह है कि सिद्धांत को सुन के जिंदगी में उतारना है। इसलिए जो लोग हायर इंटेलेक्ट के हैं, जब उनसे कहा जाता है कि तुम्हें पंच विकारों से बाहर आना है तो वह पंच विकारों से बाहर आएंगे, यह शिष्य वर्ग होता है, और बाकी लोग श्रोता वर्ग है। बुरा मत मानिएगा लेकिन मैं शास्त्रीय बात करता हूं, मुझे किसी को खुशबूश नहीं करना आता, मुझे भी कोई खुश नहीं करता। मैं जो बात है वो स्पष्ट कह रहा हूं, शिष्य में और श्रोता में अंतर है, और इसीलिए आश्रम की आजकल व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, क्योंकि सिद्धांत को कथा रूप में सुना, मनन नहीं किया, इसलिए वह आपके एक्शन में होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो आप शब्दविद विद्वान बन सकते हैं, आत्मविद विद्वान नहीं बन सकते, और जो आत्मविद नहीं होगा वो ज्ञानी तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आप सब लोगों को स्वाध्याय 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 बारंबार कहता हूं, और स्वाध्याय का मतलब रीडिंग अ बुक नहीं है, सेल्फ स्टडी नहीं है, स्वाध्याय का मतलब यह है पढ़कर उसका चिंतन करना। इसलिए आश्रम में चिंतन योग के रूप में स्थापित है, क्योंकि श्री कृष्ण चिंतन को योग बताते हैं, इसलिए इसका नाम चिंतन धारा रखा है। श्री कृष्ण के योग है, चिंतन योग मानते हैं श्री कृष्ण। और चिंतन का मतलब क्या है कि आप चीजों को सुनने के बाद अपने जीवन में उतारेंगे, और इसीलिए शिष्य होना और श्रोता होना दोनों बिल्कुल अलग बात है। तो श्रोता तो एक एक कथा में 500-500, हजार हजार, लाख लाख तक हो सकते हैं, लेकिन उस पूरे पंडाल में जहां 1 लाख लोग बैठे, बमुश्किल एक शिष्य मिलेगा, बमुश्किल एक शिष्य मिलेगा। क्योंकि शिष्य वो हो सकता है जिसका इंटेलेक्ट बहुत हाई स्टैंडर्ड का है, बहुत हाई, जिसे शास्त्र में ब्राह्मण का है, जाति से ब्राह्मण नहीं, इंटेलेक्ट से ब्राह्मण है, वही ब्रह्म की बात को समझेगा और वही ब्रह्म का आचरण करेगा, वो ब्राह्मण होगा। शास्त्र कभी बहुत हल्की और पूर्वग्रहों से ग्रसित बात नहीं करता, और ऐसी बात शास्त्र में नहीं है जो मनुष्यता के विरुद्ध है। मनुस्मृति स्पष्ट कह रही है, मनुस्मृति के नाम पर राजनीति देश में बहुत हुई है,
लेकिन मनुस्मृति राजनीति उन सभी राजनीति करने वालों ने, मैं चुनौती से कहता हूं मनुस्मृति नहीं पढ़ी, क्योंकि मनुस्मृति तो यहां तक कहती है कि कभी कोई आपको प्रणाम करता है और आप उसका प्रणाम अगर ढंग से स्वीकार नहीं करते तो आप ब्राह्मण नहीं शूद्र हैं। बताइए, मनुस्मृति तो नैतिकता के उन स्तरों की बात करती है, उस लेवल पर है। तो केवल इंटेलेक्चुअल्स को ही उस गैदरिंग में आने की इजाजत थी, क्योंकि वह सोएंगे नहीं, क्योंकि वह जमाइयां नहीं लेंगे, क्योंकि वह अपनी व्यक्तिगत बात नहीं करेंगे। ये लिखा हुआ है। और आचार्य श्री राम शर्मा जी उन जैसा विद्वान तो प्रवचन के कोर्स कराते हैं, तो उसमें ये बात कहते हैं, लिखते हैं। कोई भी प्रवचन नहीं कर सकता, इसलिए आप सभी लोगों से मैं कहता हूं कि आप अभी बंधन मुक्त नहीं हैं, अभी आप बंधन युक्त हैं। इसलिए कोई भी प्रवचन मत करना शुरू कर दिया करना, भ्रांतियां फैला दोगे आप भी, क्योंकि चीजें जैसी दिखती है वैसे है नहीं, बहुत गहरी है, उनसे बहुत गहरी है। जैसे संहार का अर्थ मैंने अभी बताया, हम समझते मार दो, संहार का अर्थ है कीप द थिंग्स बैक, प्रोटेक्ट दैट अगेन। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें इटिमोलॉजिकली दे आर वेरी डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट दैट व्हाट यूजुअली वी परसीव देम टू बी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं चीजों को बहुत गहराई से समझो। इसलिए उस जगह पर जैसे होता ना शायरों की महफिल में, वही आए जिसे शायरी की समझ हो, जो रूह को छू सके, और बाकी कोई बैठेगा तो कहेगा बेवकूफी की बातें कर रहे हैं सर, शेयर मार्केट कहां गया ये बताओ, है ना। तो बहुत कोर इंटेलेक्चुअल्स को ही एक्चुअली कथा में बैठना चाहिए, यह सत्संग प्रवचन कि मैं मीमांसा जब हो तो कोर इंटेलेक्चुअल को, वैसे सत्संग सबके ही लिए होता है जिससे कोर इंटेलेक्चुअल बन सके, क्योंकि शास्त्र निषेध वृत्ति का करता है, व्यक्ति का नहीं। यह हमेशा ध्यान रखिए, इस देश के कल्चर में बहुत बड़ी बात है, पाश्चात्य दर्शन में व्यक्ति का निषेध है, व्यक्ति का निरोध है, और भारतीय दर्शन में व्यक्ति का नहीं वृत्ति का निरोध है। इसलिए यदि आपके अंदर इंटेलेक्चुअल है, आप पहले इंटेलेक्चुअल बनो, इसके लिए सत्संग है, और जब इंटेलेक्चुअल बन जाओ तो उसके लिए मीमांसा है। ये नहीं है कि आपकी फला जाती है तो आप उस जगह नहीं आ सकते, ऐसा कहीं नहीं है। और आप इंटेलेक्चुअल बनो इसके लिए ऋषि मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। ठीक है, आप पर गरजता है, बरसता है, आपका तिरस्कार करता है, जैसे स्वामी व्रजानंद जी ने महर्षि दयानंद जी को भगा दिया था। जी हाँ, और महर्षि दयानंद जी अगर गुस्से में निकल गए तो लहिम शहीम थे, स्वामी व्रजानंद जी के मुकाबले दुगने थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, क्योंकि इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग है, वो कहा दरवाजे पर बैठ गए और वह सारे काम किए जो व्रजानंद जी चाहते थे। कठोर प्रशिक्षण से निकलकर कोई व्यक्ति शिष्य बनता है, और इसीलिए यू आर पुट टू द एग्जामिनेशन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, क्योंकि आपको जीवन के वो रहस्य बताओगे जिनसे आप क्रांति ला सकते हैं या जिनसे आप भ्रांति भी फैला सकते हैं।